Subscribe to Rakesh Tech World and click on bell icon to get notification on latest technology video. Hello friends, welcome to Rakesh Tech World. This is Rakesh. तो आज की इस वीडियो में मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों तक. कई बार क्या होता है कि आपको रास्ते में चलते हुए कुछ लोग मिल जाते हैं, मेनली ये मेन मार्केट में दिल्ली में, जैसे मैं रहता हूँ तो मैंने दिल्ली में काफ़ी देखा है, जैसे नेहरू पैलेस, लाजपत नगर और सीपी में. और कई बार क्या होता है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, इसके आसपास भी काफ़ी लोग मिल जाते हैं कि आपको एक पेन ड्राइव दे रहे हैं या मेमोरी कार्ड दे रहे हैं, और वो दावा करते हैं कि ये 128 GB 64 GB का इसमें स्पेस है. बिल्कुल ओरिजिनल पैकेजिंग रहेगी उसकी, किंगस्टन की, सैंडिस्क की, और आप ट्रस्ट करके उसे खरीद भी लेते हो. लेकिन घर आकर देखते हो कि भैया की स्पेस तो दिखा रहा है, प्रॉपर्टीज में जाकर देख रहे हो स्पेस दिखा रहा है इसमें, लेकिन जब उसे यूज करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो फाइल कॉपी नहीं होती है. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी वहाँ पर फोल्डर क्रिएट दिखा देगा, जैसे उसे निकालोगे और वापस डालोगे तो वहाँ से फाइल गायब हो जाती है. तो आजकल क्या हो रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत आ रहे हैं मार्केट में, जो कि इसमें ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो चिप लगी होती है वो मेनली 4 MB, 10 MB या 12 MB कुछ इतना स्पेस होता है उसमें. और इसमें एक लूप बना होता है जो कि वहाँ पर स्पेस दिखाता है, जो भी 1 GB या 32 GB, 128 GB वहाँ पर दिखाता है, बताते हैं आपको, उतना स्पेस दिखाएगा आपको. और जब भी आपको फाइल कॉपी करोगे उस लूप की वजह से क्या होगा कि जैसे भी 4 MB पहले कॉपी हो जाएगा, उसके बाद उसे डिलीट कर देगा, उसके बाद 4 MB नेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि वहाँ पर एक फोल्डर शो कर देगा आपको, जो फोल्डर आप कॉपी करना चाहते हो. तो आपको लगेगा कि फाइल कॉपी हो गई है, और उसके बाद जैसे ही हटा के उसे दोबारा लगाओगे तो देखोगे कि फाइल गायब है. तो मेनली ये जो होता है, मैंने आपको बताया कि वो मुश्किल से 4 MB, 10 MB इतनी चिप डालते हैं उसमें, और उसके बाद ये काम कैसे करता है वो आपको मैंने बता दिया है. लेकिन अब इसे कैसे बचा जाए वो मैं आपको बताता हूँ. अगर आपको कोई इंडिविजुअल बेच रहा होता है तो पहले तो उसे टेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने बताया, उसे कॉपी करने के बाद हटा के लगाओ, उससे पता चल जाएगा कि कितना क्या स्पेस है इसमें, वाकई में फाइल कॉपी हो रही है या नहीं हो रही है. और जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो मेनली इसे किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही खरीदें, किसी इंडिविजुअल से बिल्कुल नहीं. क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से या कोई डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने जाओगे, उस केस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हो. और अगर आप किसी इंडिविजुअल से खरीदोगे तो भैया किसे पकड़ोगे, डुप्लीकेट माल है, किसी कंपनी को भी मतलब कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे आप. तो मेन मोटिव ये था आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना. अब आप लोगों भी अपने फ्रेंड सर्कल में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो अगर वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो. और जितना हो सके आप ये शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो ऐसी प्रॉब्लम में बिल्कुल भी ना फंसे. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. I will come back with this type of more informative video. तब तक के लिए bye bye and take care. Thank you.